इसराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच जारी युद्ध में अब एक भयानक मोड़ आ गया है। ये मोड़ आया है गाजा के अस्पताल पर हुए हमले से। गाजा प्रशासन ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया है। हालांकि इसराइल ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए इस हमले के लिए इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन को जिम्मेदार बताया है। इस हमले के बाद कई देशों में, खासकर मुस्लिम देशों में, इसराइल के खिलाफ भयंकर गुस्सा फूट पड़ा है। इसराइल के दूतावासों या कौंसुलेट के बाहर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जॉर्डन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अरब नेताओं के बीच होने वाला सम्मेलन भी रद्द हो गया है। इससे इसराइल के खुद के बचाव के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने में लगे अमेरिका के राजनयिक प्रयासों पर भी असर पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने गाजा से इसराइल पर रॉकेट बरसाकर और इसराइल में घुसपैठ करके बड़ा हमला किया था। इसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। इसराइल का कहना है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। अमेरिका इसराइल की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। बात गाजा के अस्पताल पर हमले की करें तो इसे लेकर खुद पर लगे आरोपों का इसराइल ने खंडन किया है। इस मामले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि गाजा के क्रूर आतंकियों ने गाजा के हॉस्पिटल पर हमला किया है। ये हमला IDF ने नहीं किया। जिन्होंने निर्दयता के साथ हमारे बच्चों को मारा है, उन्होंने ही अपने बच्चों को भी मारा है। वहीं IDF ने खुफिया जानकारी का हवाला देकर कहा कि इस हमले के लिए आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। हालांकि इस्लामिक जिहाद ने भी अपने ऊपर लगे इस आरोप को खारिज किया है। युद्ध के बीच इसराइल पर पहले भी हवाई हमलों के जरिए आम नागरिकों की हत्या का आरोप लग चुका है। हालांकि इसराइल का कहना है कि वो आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है और गाजा में हमास ने आम नागरिकों को खतरे में डाला है। इसराइल के मुताबिक हमास आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उधर ईरान और लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्ला के साथ भी इसराइल की तनातनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन इसराइल से जुड़े युद्ध के लिए काफी उतार चढ़ाव वाले साबित हो सकते हैं।